हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटी कंप्यूटर स्टोर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मदरबोर्ड के बारे में। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इस मदरबोर्ड को, जानेंगे इसके टेक्निकल डिटेल्स को, इसके फीचर्स को और इसके प्राइस को। तो दोस्तों आज जिस हम मदरबोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं वो है MSI का A320 MA Pro Max। तो दोस्तों इस मदरबोर्ड के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो मदरबोर्ड रहते हैं A320 चिपसेट के, ये बेसिक लेवल के मदरबोर्ड रहते हैं, एंटी लेवल के मदरबोर्ड रहते हैं। अगर आप कोई बजट गेमिंग पीसी बना रहे हैं तो उसके लिए मदरबोर्ड बहुत बढ़िया रहते हैं एमडी राइजन के लिए। तो दोस्तों आइए हम इस मदरबोर्ड को अनबॉक्स कर लेते हैं और जानते हैं कि इस मदरबोर्ड के बॉक्स में क्या क्या आपको चीज़ें मिलती हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास है दो साटा केबल्स, इसमें हमें दो साटा केबल्स मिली है इस मदरबोर्ड के बॉक्स में। उसके पास हमारे पास है एक थैंक यू लेटर, MSI की तरफ से अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो आपको एक थैंक यू लेटर इसमें मिलेगा। इसके बाद हमारे पास इंस्टॉलेशन गाइड है, इस तरह का एक मैनुअल हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास है ड्राइवर की डीवीडी हमारे पास में है। इसके बाद हमारे पास है बैक प्लेट, आईओ पैनल जो होती है मदरबोर्ड की, वो हमारे पास में है। इसके बाद हमारे पास एक M2 SSD स्क्रू इस बॉक्स में हमको मिला है, और हमारे पास एक ड्रैगन वाला लोगो MSI की तरफ से, जो आप अपने कैबिनेट में कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों बॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है मदरबोर्ड, जो कि रहा मेरे हाथ में। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था एक बेसिक मदरबोर्ड रहता है, एंटी लेवल का मदरबोर्ड है A320 चिपसेट का, ज़्यादा कुछ इस मदरबोर्ड में रहता नहीं है। अगर आप कोई बजट गेमिंग पीसी बना रहे हैं तो मदरबोर्ड आपके लिए ठीक रहेगा। वहीं जो इसका वजन है वो काफ़ी कम है, तो इसका जो पीसी वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। आगे बात करें तो इसमें आपको दो रैम स्लॉट मिलते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं 64 GB तक, 64 GB तक की रैम सपोर्ट करता है, और जो रैम की फ्रिक्वेंसी है वो है 3200 MHz तक की, 3200 MHz तक की रैम सपोर्ट कर लेगा। इसमें आपको एक M2 SSD वाला स्लॉट मिलता है, ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट है, यहाँ पे कोई ज़्यादा हीटिंग नहीं दी हुई है। इसमें यहाँ पे आपको एक डिबग LED मिल जाएगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो बेसिक मदरबोर्ड में होती है। USB 3.0 के पोर्ट है, 2.0 के इंटरनल पोर्ट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बैक साइड की बात करते हैं तो बैक साइड में आपको मिलते हैं एक PS2 कीबोर्ड माउस वाला यहाँ पे पोर्ट है, एक DVI का पोर्ट है, एक HDMI पोर्ट यहाँ पे है, यहाँ पे USB 3.0 के चार पोर्ट्स आपको मिलेंगे। इसमें 2.0 के पोर्ट हैं दो, एक RJ45 का कनेक्टर है और एक साउंड का पोर्ट है जो कि है 7.1। तो दोस्तों बहुत बढ़िया मदरबोर्ड है, अगर आप कोई बजट गेमिंग PC बनाएंगे तो आपको ये मदरबोर्ड बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों हमने इस मदरबोर्ड का रिव्यू कर लिया, इसके टेक्निकल डिटेल्स को देख लिया, इसके फीचर्स को देख लिया है। तो दोस्तों इस मदरबोर्ड की एक खास बात यह कि ये 64 GB 64 GB तक की रैम सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी कंपनीज के जो मदरबोर्ड आते हैं A320 चिपसेट के, वो 32 GB तक की रैम सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसका जो फीचर है 64 GB रैम सपोर्ट करने वाला, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब आप इस बजट के अंदर कोई PC बनाते हैं तो आप मैक्सिमम 16 GB रैम लगाते हैं या फिर 8 GB रैम लगाते हैं, इससे ज़्यादा आप रैम नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों दूसरी एक और खास बात यह कि इसके अंदर आपको यहाँ पे डिबग LED दी हुई है, यानी जब आप ये सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको LED जलेगी बूट पे, VGA पे, DRAM पे और CPU पे। तो यानी कभी आपका सिस्टम दिक्कत करता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके कौन से पार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों बाकी सारी चीज़ें सेम है जो दूसरी कंपनीज के A320 चिपसेट के मदरबोर्ड में आपको मिलते हैं, जैसे कि USB 3.0 के यहाँ पे पोर्ट है, 2.0 का पोर्ट है, पीछे के पोर्ट्स आपको ये सारे मदरबोर्ड में मिल जाते हैं। बस एक ही इसमें खासियत है कि ये 64 GB रैम तक सपोर्ट करता है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि आप कौन कौन से प्रोसेसर के लिए इस मदरबोर्ड को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी 4 कोर के प्रोसेसर आते हैं उसके लिए मदरबोर्ड एकदम परफेक्ट रहेगा, जैसे कि 3200G है, 2200G है, इनके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। वही मैक्सिमम आप इसे 3500 के लिए खरीद सकते हैं। अगर आपका बजट नहीं है, आप B450 वाला मदरबोर्ड नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
वही दूसरे प्रोसेसर की बात करते हैं, जैसे कि राजन 5 के वेगा ग्राफिक्स के साथ में आने वाले प्रोसेसर 2400G या फिर 3400G के लिए भी एकदम ही परफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों इसकी जो कॉस्ट है वो अभी 4200 रुपये, 4200 में मदरबोर्ड आपको आसानी से मिल जाएगा, कहीं पे आपको 4200 का मिलेगा, कहीं पे आपको 4500 का ये मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या फिर किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondorcomputer.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं जो कि लोकेटेड है लाल घाटी स्क्वायर भोपाल पे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।